एंड वेलकम टू माय चैनल वीव्स किचन। आज मैं जा रही हूँ बनाने ग्रेप्स केक, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। और आपके पास घर में ही सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, उन्हीं चीज़ों से हम बनाएंगे ग्रेप्स केक। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने लिया है 1/4 कप के करीब। मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, विदाउट फ्लेवर ऑयल है। इसमें मैं डाल रही हूँ आइसिंग शुगर। इसको शुगर पर डाल के मैं इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें अब मैं दूध डालूँगी, मिल्क ऐड करूँगी मैं। ये 1/4 कप के करीब मैंने इसमें मिल्क ऐड करा है, इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं डालूँगी दही कर्ड, ये जाएगा 4 टेबल स्पून के करीब जाएगा। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है दही कर्ड, इसको भी मैं अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं डालूंगी 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर मैदा। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। बैटर में मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, इसमें मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला है, इसलिए मैंने बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून लिया है। इसमें मैं अब डालूंगी वनीला एसेंस। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसकी डायरेक्शन एक ही रहेगी मिक्स करते हुए, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बेक करने के लिए मैंने ये लिया है बेकिंग टिन। इसमें मैं साइड में मैंने लगा दिया है बटर पेपर और उसको मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा बैटर बनाया है हमने केक का, वो इसमें हम डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रहेगी। इसको इतना ही थिक रखना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना, इतना ही रखना है जितना कि ये पूरा प्रॉपरली इस तरह से ये गिरेगा। ये देखिए मैंने इसको डाल दिया है और अब मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी। आज मैं गैस पर बना रही हूँ। मैंने इसमें पैन में पानी डाला है स्टीम करने के लिए, 1 गिलास के करीब पानी डाला है मैंने स्टीम करने के लिए। अब मैं इसे बॉईल करके और फिर उसके बाद इसमें मैं बेक करूँगी। मैंने स्टैंड भी लगा दिया है बीच में, जिससे कि बेक करते हुए पानी जो है वो केक में ना आए और अच्छे से स्टीम भी लग जाए। मैंने जो है सेट कर दिया है, अब मैं इसे ढक करके बेक करूँगी 40 to 45 मिनट्स के लिए। और जो मेरी गैस है वो रहेगी मीडियम टू सिम। शुरू में थोड़ा सा मीडियम रखूँगी, उसके बाद मैं उसे 5 से 10 मिनट के बाद सिम कर दूँगी। और सिम गैस पर ही 40 to 45 मिनट्स के लिए मेरा बेक होगा। हमारा केक जो है अच्छे से बेक हो गया है। अब हम ठंडा कर लेंगे केक को और फिर उसके बाद इसे हम डेकोरेट करेंगे। पैन गर्म करके ब्लैक ग्रेप्स लिए हैं मैंने, ये इनको मैं अच्छे से इसकी जेली बना लूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर, ये मैंने 1/2 बाउल शुगर ऐड करा है। इन्हें मैं अच्छे से मिक्स करके शुगर के साथ मेल्ट कर लूँगी। ये मेल्ट हो रहा है, देखिए कितने अच्छे से ये मेल्ट होना शुरू हो गया। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा बटर भी डाल दूँगी। बटर डालने से इसमें जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही अच्छा और टेस्टी आएगा, साथ ही इसमें शाइनिंग भी आएगी। जब तक हमारी जेली ठंडी हो रही है तो हम जो है व्हिपिंग क्रीम बना लेते हैं अपनी। आज मैं एग से व्हिपिंग क्रीम बना रही हूँ। मैंने 2 एग लिए हैं। एग योक निकाल के मैंने यहाँ पे लिया है एग वाइट लिया है। अब मैं इसको विस्प करके
इसकी क्रीम बनाऊंगी। मेरा काफ़ी अच्छे से होना शुरू हो गया है व्हिप। अब मैं इसमें आइसिंग शुगर ऐड करूंगी। आप पिसी हुई चीनी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून लिया है 2 एग में, इसलिए लिया है वो क्योंकि मैंने जो मैं डालूंगी इसमें ग्रेप्स, वो भी काफ़ी खट्टे मीठे होंगे, इसलिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून लिया है आइसिंग शुगर। इसको भी साथ में मिक्स करूँगी मैं अच्छे से। जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो सबके घरों में अवेलेबल हो जाती है। मैं इजी तरह से इसी मेथड से केक बना रही हूँ। मेरी ग्रेप्स की जेली बनके तैयार हो गई है, काफ़ी अच्छी बन गई है ये। और इसे मैं ऐसे ही रखूँगी थोड़ी देर, इसको ठंडा जब करूँगी तो ये काफ़ी अच्छी थिक हो जाएगी। अब मैं इसकी गैस जो है वो बंद कर देती हूँ और इसको मैं इसे ठंडा होने देती हूँ, जिससे कि ये अच्छे से जेली जो है वो काफ़ी थिक भी हो जाएगी। अभी तो थोड़ी सी लिक्विड लग रही है ना, जब रखेंगे हम इसको ठंडा करेंगे तो ये थिक हो जाएगी। इसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेडी है बनके हमारा केक। बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, खाने में भी बहुत अच्छा है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे को बताइए आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।